हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब बच्चे? हाउ आर यू? होप यू आर वेल। सो गाइस, आज फिर हम उन्हीं क्वेश्चंस को लेते हैं जो क्वेश्चन हम लगातार लिटरेचर के बेसिकली DSSSB, UPT, DDPDT एंड अदर एग्जाम्स लाइक NVS एंड KVS के लिए कर रहे हैं। तो चलिए विदाउट गेटिंग लेट शुरुआत करते हैं अपने उन्हीं क्वेश्चंस की। एंड आई होप कि आप पहले वाले सारे क्वेश्चंस को ऑलरेडी कर चुके हैं, बिकॉज दिस इज गोइंग टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन योर मार्क्स एंड कमिंग एग्जाम्स। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं, लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आज का। और सबसे पहला क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन था हमारे लास्ट सेशन का, प्रीवियस सेशन का। तो बेसिकली इसमें हमने आंसर देखा था कि हु इज द ऑथर ऑफ द डार्क रूम, डार्क रूम का बेसिकली ऑथर कौन है। हम यहां पर ध्यान देंगे कि डार्क रूम का बेसिकली ऑथर कौन है। सो गाइस, इसका आंसर था हमारा R.K. नारायण, और हमने इसकी कहानी भी देखी थी कि इसमें बेसिकली था क्या। तो आंसर बनेगा R.K. नारायण। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है हमारा थिंग्स फॉल अपार्ट इज रिटन बाय। तो ये जो वर्क है बच्चों, थिंग्स फॉल अपार्ट, बड़ा जबरदस्त वर्क है, एंड किसने लिखा है? चिनुआ अच्छेबे ने। तो चिनुआ अच्छेबे इफ यू सी अ ग्रेट राइटर, जबरदस्त राइटर है। और गाइस, जिसमें जो वर्क इन्होंने लिया है चिनुआ अच्छेबे ने, थिंग्स फॉल अपार्ट, ये बेसिकली कैसा वर्क है? इसमें जो मेन कैरेक्टर है, जो प्रोटैगोनिस्ट है, हु इज द मेन कैरेक्टर हेयर? इट इज द पोकोनकोवो, ओ कोकोनकोवो इज द मेन राइटर हेयर। ही इज एन इग्बो, है ना, एक क्लान है वहां पे, यानी कि कहां पे बच्चों? ये बेसिकली नाइजीरिया में है, ये नाइजीरियन है। तो नाइजीरिया के ऊपर ऊपर लिखा गया, नाइजीरिया को प्लेस करके लिखा गया, जहां पे एक पर्सन है ओकोनोवो और ये इग्बो है, वहां पे इबो इसको दिखाया गया है। जो नॉवेल है, नॉवेल में क्या दिखाया गया? इबो। और बेसिकली कैसी कहानी है मैं आपको बता दूं, कोलोनाइजेशन की, यानी कि यहां पे फर्स्ट पार्ट में, ये थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें ओकोनोवो और इसकी वाइफ को दिखाया गया है, यानी कि फैमिली को शो किया गया है। और सेकंड नंबर पे यूरोपियन यहां पे आ जाते हैं, और यूरोपियन आके क्या करते हैं? वही कॉलोनाइजेशन है ना, वही एक्सप्लोरेशन जो इन्होंने इंडिया में किया। एंड फाइनली उसमें क्या क्या होता है ये सारा दिखाया जाता है, यानी कि ऑपरेशन बाई द क्रिश्चियन मिशनरीज, कॉलोनाइजेशन, है ना, एंड फाइनली What happens to them has been shown here. तो एक तरह से हम देखें तो एंटी यूरोपियन इसको करके लिखा गया है कि वे एक्सप्लॉइट करते थे एटसेट्रा। तो चिनुआ अच्छेबे थिंग्स फॉल अपार्ट में इसी वर्क को दिखाया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वेटिंग फॉर गोडोट इज रिटन बाई, ये किसने लिखा है? तो भाई वेटिंग फॉर गोडोट फर्स्ट नंबर पे आता है जब हम बात करते हैं एक एब्सर्ड की। भाई एब्सर्ड क्या होता है बेसिकली? जिसमें कोई प्लॉट ना हो, जिसका कोई हीरो ना हो, जिसमें कोई कहानी ना हो एटसेट्रा, दैट इज कॉल्ड द एब्सर्ड, है ना। ये सैमुअल बेकेट ने लिखा था। मैं आपको बता दूं कि जो वेटिंग फॉर गोडोट गाइस, ये सैमुअल बेकेट ने लिखा था, जिसमें मेन हमारे टू कैरेक्टर्स हैं। कौन कैरेक्टर है? टू कैरेक्टर्स के ही चारों तरफ ये घूमता है, जिनके नाम है व्लादिमिर, जिसको इसमें क्या कहा गया? डीडी। और बच्चों दूसरा कैरेक्टर है एस्ट्रेगन, एस्ट्रेगन। ये जो एस्ट्रेगन है बेसिकली ये कौन है? इसको कहा गया इसमें गोगो। तो इन्हीं दो के ऊपर है ये बेसिकली, क्या करते रहते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक, ये गोडोट का वेट करते रहते हैं, जो कि बच्चों ना तो कभी आता, लास्ट तक भी ये अपीयर नहीं होता, ना ही ये पहुंचता है। तो बेसिकली इसके वेट को ही इसमें दिखाया गया है, और लास्ट में क्या हैपन होता है कि इट बिकम्स एन एब्सर्ड, कि ना तो कोई आता ना जाता, ना ही इसमें कुछ प्लॉट बनता है समथिंग एंड अदर्स। तो ये बेसिकली एक ट्रेजी कॉमेडी के रूप में यहां पर लिखा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यान मार्टिल इज अ नॉवलिस्ट, यान मार्टिल कैसी नॉवलिस्ट है? तो गाइज कैनेडियन, कैनेडियन नॉवलिस्ट यान मार्टिल को हम कहेंगे। अगर हम इनका जबरदस्त वर्क देखें, नोबेल प्राइज विनर है, जबरदस्त वर्क देखें तो गाइज क्या है? लाइफ ऑफ पाई, बस इतना आपको ध्यान रखना है। लाइफ ऑफ पाई, जिसमें मूवी बन चुकी है, इवन इंडियन मूवी बन चुकी है, उसी वर्क को हम किसका बनाएंगे? यान मार्टिल का, जो कि कैनेडियन है।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इज रिटन बाय, ये किसने लिखी? वेयर इट हैज बीन रिटन बाय स्टीफन हॉकिंग, मार्क्स प्लैंक, यान मार्टिल या फिर चिनुआ अचेबे। तो गाइज बताइए किसने लिखा ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, इट वॉज रिटन बाय स्टीफन हॉकिंग। तो आंसर हमारा क्या जाएगा, वन, द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ये जो बुक है गाइज ये बेसिकली किस पे बेस्ड है, द थीम इज कॉस्मोलॉजी। कौन सी थीम है इसमें, कॉस्मोलॉजी। गेटिंग एवरीवन? तो ये कॉस्मोलॉजी पे बेस्ड है। लाइक यहां पे क्या क्या दिखाया गया है, उन्होंने लाइक ही हैज रिटन टेकिंग द नॉलेज ऑफ द फिजिक्स, क्योंकि इससे पहले ज्यादा फिजिक्स के बारे में पता नहीं था। तो बिग बैंग को यहां पे दिखाया गया है, ब्लैक होल की बात की गई है, कॉस्मोलॉजी की बात की गई है। तो यही फिजिक्स के फिनोमिनन्स यहां पे फिनोमेना काफी सारे दिखाए गए हैं। तो स्टीफन हॉकिंग अ साइंटिफिक राइटर हैज रिटन दिस ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लिविंग हिस्ट्री का, ये बड़ा जबरदस्त वर्क है लिविंग हिस्ट्री। अब आप पूछेंगे कि किसकी लिविंग हिस्ट्री है, तो ऑब्वियसली गोज टू बिल क्लिंटन, हिलेरी क्लिंटन। लेकिन लिखी किसने है, हिलेरी क्लिंटन ने। ऐसा माना जाता है कि बिफोर गेटिंग द थ्रोन और व्हाट शुड वी से द चेयर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, बिल क्लिंटन को $8 मिलियन, देखो कितनी बड़ी बात है, $8 मिलियन प्रोवाइड किए गए थे एज एन एडवांस पेमेंट टू राइट दिस वर्क लिविंग हिस्ट्री। फिर उन्होंने अपने कुछ गोस्ट राइटर का सहारा लिया एंड अदर्स का, और फाइनली इसको जाके लिखवाया। तो हिलेरी क्लिंटन को माना जाता है कि शी हैज रिटन द लिविंग हिस्ट्री। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नागिब महफूज इज अ राइटर, है ना, हु गॉट नोबेल प्राइज। तो ये कौन से राइटर है, इजिप्टियन है, इंग्लिश राइटर है, आयरिश है या फिर अमेरिकन है? तो गाई जी इजिप्टियन राइटर है, इजिप्ट के राइटर है, हु हैज गॉट नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। गेटिंग एवरीवन? तो बेसिकली इन्होंने नोबेल प्राइज इनको मिला था, जहां तक मुझे याद आ रहा है 2006 का या फिर आगे पीछे का होगा, बट ये इजिप्टियन राइटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर रिजेक्टेड नोबेल प्राइज, ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, किसने रिजेक्ट किया था, भाई किसको पहले मिला किसको बाद में मिला, ये तो बहुत अच्छी बात है, हमने कल भी पढ़ी थी, लेकिन मना किसने किया था, रिजेक्ट किसने था, जीन पोल सार्ट्रे, जस्ट बिकॉज ऑफ नॉट बींग इन द लाइमलाइट। मतलब वो कहते थे कि भाई कोई ऑफिशियल अवार्ड अगर मुझको मिल रहा है डिस्टिंक्शन के लिए तो मैं उसको नहीं लूंगा। तो जीन पोल सार्ट्र हैड डिनाइड फॉर दिस। तो ये क्वेश्चन आपको बच्चों याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ईस्ट इज ईस्ट एंड वेस्ट इज वेस्ट एंड नेवर द ट्वेन शैल मीट। कहने का मींस है कि अगर हम ईस्ट और वेस्ट की बात करें तो ऑब्वियसली वो बिल्कुल अलग अलग हैं, ईस्ट ईस्ट रहेगा, वेस्ट वेस्ट, ये दोनों कभी मिलेंगे नहीं। ये लाइन कहां पे आती है, किसके वर्क में आती है? तो गाइज मैं बता दूं, एक वर्क है जिसका नाम है द बैलेड ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट। बड़ा जबरदस्त लाइन है। तो इसी बैलेड में लाइन आती है, ईस्ट इज ईस्ट एंड वेस्ट इज वेस्ट एंड नेवर द ट्वेन शैल मीट। और किसने लिखी, रुडियार्ड किपलिंग, है ना, हैविंग सम ब्रांचेस फ्रॉम इंडिया, रुडियार्ड किपलिंग ने लिखा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देर आर टू ट्रेजिडीज इन लाइफ, वन इज नॉट टू गेट योर हार्ट्स डिजायर, द अदर इज टू गेट इट। तो ये लाइन बेसिकली आती कहां पे है, ये क्वेश्चन बना है। तो गाइज मैं आपको बता दूं, ये लाइन बेसिकली है जीबी शो की, और जीबी शो ने ये लाइंस किसमें लिखी हैं, बड़े ध्यान से देखना, देयर आर टू ट्रेजडीज इन लाइफ, दो ट्रेजडी होते हैं, एक तो अपने दिल को फॉलो अप करना, अपना दिल जो कह रहा है उस बात को गेट करना। लाइक आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बस आप अपने मन की सुनते हैं और आपको सिलेक्शन लेना ही लेना है ना, बल्कि इसमें लिखा है नॉट टू, ना तो उसे सुनना ही नहीं, और दूसरा है द अदर इज टू गेट इट, उसे सुनना या फिर उस हार्ट डिजायर को पूरा करना। तो जीबी शो अपने वर्क में कहते हैं, मैन एंड सुपरमैन में, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, मैन एंड सुपरमैन में ये लाइन बच्चों इनकी अपियर होती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ऑरहन पामुक गॉट नोबेल प्राइज। तो बच्चों ऑरहन पामुक जो कि बेसिकली 2006, इनको कब मिला था, 2006 में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, हैरोल्ड प्रिंटर वॉज, हैरोल्ड प्रिंटर बेसिकली थे कौन? तो गाइज मैं आपको बता दूं, ही वॉज अ पोएट, हैरोल्ड प्रिंटर एक पोएट थे, ब्रिटिश पोएट थे, और सबसे बड़ी बात है नोबेल प्राइज विनर थे। लेकिन मैं आपको बता दूं इनके जो जबरदस्त वर्क है वो क्या क्या है, द बर्थडे पार्टी, आपको याद रखना है हैरोल्ड प्रिंटर, यानी कि प्रिंट क्या किया था, बर्थडे पार्टी को,
आप ऐसे याद कर सकते हैं, द बर्थडे पार्टी नंबर वन. सेकंड है द होम कमिंग, द होम कमिंग. और इनका वर्क है द बिट्रेयल, बिट्रेयल. बाकी इनके वर्क हैं जैसे द सर्वेंट, द गो बिटवीन, द फ्रेंच लेफ्टिनेंट वुमेन, द ट्रायल और स्लूथ. ये सारे वर्क बच्चों इनके हैं, जिसमें से बर्थडे पार्टी और होमकमिंग बड़े जबरदस्त वर्क हैं. तो हैरोल्ड पिंटर बेसिकली क्या है, एक ब्रिटिश प्लेराइट. राइडर्स टू द सी, राइडर्स टू द सी. गाइस क्वेश्चन पूछा गया है कि बेसिकली लिखा किसने है, तो मैं आपको बता दूं, इट वॉज रिटन बाई जे एम सिंज. जे एम सिंज एक आयरिश राइटर है, ही हैड रिटन दिस. और इसका अगर थीम हम देखें, वॉट इज द बेसिकली थीम हेयर, तो गाइस इसकी थीम है कि शोज द पावर ऑफ सी, पावर ऑफ सी. ये कैसे एक मौर्यन फैमिली को, कैसे ये एक मौर्यन फैमिली को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, इसी चीज को इसमें दिखाया गया, राइडर्स टू द सी. अगला क्वेश्चन है, विच इंग्लिश पोएट वॉज अ डिप्लोमेट, इनमें से कौन सा डिप्लोमेट था. देखेंगे चौसर, शेक्सपियर, स्पेंसर, देंते. तो सबसे बढ़िया जानते हैं कि जॉफ्री चौसर, हु हैड सीन द थ्री किंगडम्स. किस किस के देखे थे बच्चों, ही हैड सीन एडवर्ड थर्ड, एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकेंड एंड हेनरी फोर्थ. बोलो सबको याद आ गया कि नहीं, हेनरी फोर्थ. इन तीन किंगडम को इन्होंने देखा था. यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है. तो फर्स्ट वाले के, एडवर्ड थर्ड के और रिचर्ड सेकंड के टाइम में, बेसिकली एडवर्ड थर्ड के टाइम में ही हैड बीन अ डिप्लोमेट, डिप्लोमेट टू फर्स्ट फ्रांस एंड सेकंड टू इटली. इटली और फ्रांस के डिप्लोमेट रह चुके थे. इसी समय इन्होंने फ्रांस और इटली से कुछ वर्क को चुराया था, जिस वजह से इनको क्या कहा जाता है, ही इज कॉल्ड द प्रिंस ऑफ प्लेजरिस्ट, प्रिंस ऑफ प्लेजरिस्ट. गेटिंग, आप जानते हैं प्लेजरिस्ट क्या होता है, प्लेजरिस्ट होता है बेसिकली साहित्य चोर, साहित्यिक चोर, यानी साहित्य को चुराता है. ही इज अ लिटरेरी थेफ्ट, इट इज अ लिटरेरी थेफ्ट. और वो पर्सन कौन है, लिटरेरी थीफ. तो जॉफ्री चौसर हु इज सपोज टू बी, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश पोएट्री एटसेट्रा, ही हैज बीन ऑल्सो कॉल्ड, ही हैज ऑल्सो बीन कॉल्ड द प्रिंस ऑफ प्लेजरिस्ट. क्वेश्चन नंबर 344 आता है, शी इज लाइक अ रोज. इसमें, इस एग्जाम्पल में बच्चों हम क्या देखते हैं, लाइक अ रोज. तो आप देखेंगे यहां पे शी का कंपैरिजन किससे हुआ है, रोज से. तब तक आप इसे सोच लें, और लाइक यहां पे आया है, दो का कंपैरिजन हो रहा है जो कि डिसिमिलर थिंग्स हैं. तो 100% यहां पे सिमिली फिगर ऑफ स्पीच बनेगा. और अगला क्वेश्चन तो बड़ा ही जबरदस्त, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड. तो 100% बच्चों इसमें क्या देखेंगे, इसमें भी सिमिली है, बट यहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है. उन्होंने पूछा है कि ये पोएम लिखी किसने है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने, और इसी का नाम है गाइस डेफोडिल्स, डेफोडिल्स. माय हार्ट डांसेस विद द जॉय, राइट. तो गाइस आज इतने ही क्वेश्चन हम करेंगे, मिलते हैं आपसे कमिंग क्लास में. थैंक यू सो मच. तब तक आप इसे देखें, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसको रिवाइज जरूर करें. कोई भी क्वेश्चन पीछे का ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको रिवाइज ना हो, रिवाइज ना हो और जो आपको याद ना हो. फिर देखिए कैसे आपके मार्क्स आते हैं. तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं इस वीडियो को. थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम.